नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं वंशिता शर्मा हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा बेहतरीन कविताएं और गजलें, जो दिव्य हिमाचल टीवी में रोजाना प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं। सभी दर्शकों की मांग के अनुसार ही इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं। इन कृतियों में आपको जीवन की विभिन्न धाराएं दिखेंगी और आपको इन्हें सुनने में खूब मजा आएगा। कार्यक्रम में आपको मेरी सहयोगी पल्लवी कुछ किताबों के बारे में भी बताएंगी और अंत में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे एक कलाकार की कविता, जिसे आप सुनेंगे खुद उनकी आवाज में। तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस कविता के साथ, सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंखें भीचे। घास चुप है, काश चुप है, मूकशाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, वन्य पथ को ढंक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल। फैज अहमद फैज साहब, कई बार हम सुनाते रहे, पाकिस्तान के महबूब मकबूल शायर, शायरी की दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम है इनका। क्रांतिकारी थे, कई साल इन्होंने इसी क्रांति के चक्कर में जेल में भी काटे हुए थे, क्योंकि जो मन में आता था वो लिखते पर लिखते ऐसा थी, जनता को बहुत पसंद आता था। एक छोटी सी गजल इनकी, दिल में, हाँ जी, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक्से में तेज करो, साज की लय तेज करो। रक्से में तेज करो, साज की लय तेज करो। सुए में खाना सफीराने हरम नजर आते हैं। सुए में खाना सफीराने हरम आते हैं जी। कुछ हम ही को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, कुछ हम ही को नहीं एहसान उठाने का दिमाग। वो तो जब आते हैं माइल बकरम आते हैं। वो तो जब आते हैं माइल बकरम नजर आते हैं। और कुछ देर न गुजरे शबे फुरकत से कहो। और कुछ देर न गुजरे शबे फुरकत से कहो। दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम आते हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरब अख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के चमकते हैं हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर से, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। ये माधव गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता है अग्निहोत्री जी। तहजीब हाफी साहब, क्या बात, ये बड़े यंग पोएट हैं अभी। हाँ, अभी आप ये देखिएगा इनकी, आप शायरी सुनिएगा। इससे पहले मैं बता दूं 1988 में पैदा हुए सिर्फ ये, क्या बात। अब गहराई देखिए इनकी, और जो शब्द यूज किए हैं जो इनका एहसास है, बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा शायद। किसे खबर है उम्र बस उस पे गौर करने में कट रही है। क्या बात? किसे खबर है कि उम्र बस उस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। क्या बात? अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बंट रही। क्या बात? मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता हूँ। मैं उसको हर रोज, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, बहुत गहरी लाइन है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता हूँ। सुनो, यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। क्या बात है? मुझसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, मुझ जैसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को। ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है। बहुत खूब, ये वक्त आने पे अपनी औलाद अपने अजदाद बेच देगी। क्या बात? ये वक्त आने पे अपनी औलाद अपने अजदाद बेच देगी, जो फौज दुश्मन को अपना सालार गिरवी रखकर पलट रही है। क्या बात? सो इस तल्लुक में जो गलत फहमियां थी अब दूर हो रही है। रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही है। क्या रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही है। बिल्कुल।
कविता केदारनाथ सिंह की है। आज घर में घुसा तो वहां बड़ा अजब दृश्य था, सुनिए मेरे बिस्तर ने क्या कहा। यह रहा मेरा इस्तीफा, मैं अपने कपास के भीतर वापस जाना चाहता हूँ। उधर कुर्सी और मेज का एक संयुक्त मोर्चा था, दोनों तड़प कर बोले, जी अब बहुत हो चुका आपको सहते सहते, हमें बेतरह याद आ रहे हैं हमारे पेड़ और उनके भीतर का वह जिंदा द्रव जिसकी हत्या कर दी गई है आपने। उधर अलमारी में बंद किताबें चिल्ला रही थी, खोल दो हमें खोल दो, हम जाना चाहती हैं अपने बांस के जंगल और मिलना चाहती हैं अपने बिच्छुओं के डंक और सांपों के चुंबन से। पर सबसे अधिक नाराज थी वह शॉल जिसे अभी कुछ दिन पहले कुल्लू से खरीद कर लाया था। बोली, साहब आप तो बड़े साहब निकले, मेरा दुम्बा भेड़ा मुझे कब से पुकार रहा है और आप हैं कि अपनी देह की कैद में लपेटे हुए हैं मुझे। शुरुआत आज इस कविता के साथ करते हैं, उत्तर नहीं हूँ मैं, उत्तर नहीं हूँ मैं प्रश्न हूँ तुम्हारा ही। नए नए शब्दों में तुमने जो पूछा है बार बार, पर जिस पर सबके सब बल निरुत्तर हैं, प्रश्न हूँ तुम्हारा ही। तुमने गढ़ा है मुझे किंतु प्रतिमा की तरह स्थापित नहीं किया, या फूल की तरह मुझको बहा नहीं दिया। प्रश्न की तरह मुझको रह रहकर दोहराया है, नई नई स्थितियों में मुझको तराशा है, सहज बनाया है, गहरा बनाया है। प्रश्न की तरह मुझको अर्पित कर डाला है सबके प्रति, दान हूँ तुम्हारा मैं जिसको तुमने अपनी अंजलि में बांधा नहीं दे डाला। उत्तर नहीं हूँ मैं, प्रश्न हूँ तुम्हारा ही। हफीज़ जालंधरी साहब, जालंधर के बहुत बड़े शायर रहे, इनकी एक गज़ल है चलते चलते, देखिए प्यारी सी सिंपल सी गज़ल। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मुझसे क्या हो सका वफा के सिवा, मुझसे क्या हो सका वफा के सिवा, मुझको मिलता भी क्या सजा के सिवा। कोई भी तो दिखाओ मंजिल पर, कोई भी तो दिखाओ मंजिल पर, जिसको देखा हो रहनुमा के सिवा। दिल सभी कुछ जबान पर लाया, दिल सभी कुछ जबान पर लाया, एक फकत अर्ज़े मुद्दा के सिवा, एक फकत अर्ज़े मुद्दा के सिवा। कोई राजी ना रह सका मुझसे, कोई राजी ना रह सका मुझसे, मेरे मालिक तेरी रजा के सिवा। बुत कदे से चले हो काबे को, क्या मिलेगा तुम्हें खुदा के सिवा। दोस्तों कि ये मुखलिसाना तीर, दोस्तों के मुखलिसाना तीर, कुछ नहीं मेरी ही खता के सिवा। मेहरो मह से बुलंद होकर भी नजर आया ना कुछ खला के सिवा। और लास्ट में कहते हैं, ए हफीज आह आह पर आखिर क्या कहें दोस्त वाह वाह के सिवा, क्या कहें दोस्त वाह वाह के सिवा। अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी अपनी सहयोगी पल्लवी से। पल्लवी आपको ले जाएंगी किताबों की दुनिया में। धन्यवाद वंशिता। कभी भी रुकता नहीं है इस इल्म का दरिया, किसी किताब को मत आखिरी किताब कहो। सभी को मेरा नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक उत्तम कहानी संग्रह की, जिसका नाम है घर वापसी। इसे लिखा है मनोज कुमार शिव ने। घर वापसी में लेखक की अब तक की बेहतरीन कहानियां संकलित है, जो देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। गरीबी का भूत, इंसाफ, मेवे वाला, रिटायरमेंट, बंटवारा, बुराई का अंत आदि ऐसे कई रोचक विषयों पर लेखक ने इस किताब में लिखा है। ये सभी कहानियां आसपास के यथार्थ पर बुनी हुई हैं। मनोज कुमार शिव ने ये किताब अपने स्वर्गीय पिता गोकुल राम ठाकुर की पुण्य स्मृति में लिखी है। लेखक नमहोल जिला बिलासपुर के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। घर वापसी कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ है अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद में और मूल्य है मात्र 300 रुपए। तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़िएगा। अगली किताब है ओम प्रकाश गंगोला की प्रेम कहानियां प्रेम रश्मिया। ओम प्रकाश शाह गंगोला इस पुस्तक के लेखक हैं। बदल गया सब कुछ, मिलन, मेरा गुटरगू, समर्पण, मुक्ति और ऐसे और भी कई प्रेम पूर्ण विषय किताब के कथाक्रम में मौजूद हैं। लेखक के अनुसार प्रेम सृष्टि का संचालक तत्व है। इस किताब को पढ़कर हर किसी का मन प्रेम भावों से भर जाएगा। लेखक ने अपनी भावनाओं, अनुभवों को इस पुस्तक में बड़े ही प्रेम से उतारा है, जो इस पुस्तक को पढ़ते समय साफ नजर आता है। लेखक का जन्म 6 फरवरी 1940 को हुआ था और कई अन्य पुस्तकें भी इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इस किताब का प्रकाशन हुआ है आधारशिला प्रकाशन नैनीताल उत्तराखंड में और मूल्य है मात्र 300 रुपए।
अतः आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आपको वापस लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी पल्लवी। अब समय है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए बिलासपुर से कविता सिसोदिया की रचना स्वयं उनकी आवाज में। नमस्कार, मैं कविता सिसोदिया बिलासपुर से। मैं आपके सामने एक रचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है मन मेरे तू वहां चल। कहीं चिमनिया सिगार से उगलती, कहीं दावा नल दहकते, रेस लगाती सड़कों पर परिवहन, जलती चिता में सुलगते तन मन। हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, हर तरफ उड़ रहा धुआं ही धुआं, कहीं तो होगा सब निर्मल, मन मेरे तू वहां चल। ये चीखते चिल्लाते बोली लगाते, अपना ये बाजार सजाते, क्राहता कोई वृद्ध या भूखा असहाय, पुकारती कोई अबला कहीं, कान फोड़ते डीजे पर झूमते, रात दिन अभी चल चलती मशीनरी, सुदूर शांति ना हो कोलाहल, मन मेरे तू वहां चल। ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे, किसी को पांव तले कुचलते, झूठ प्रेम के जाल में फंसे, धक्का मुक्की आगे पीछे दाएं बाएं, कुर्सी के पीछे मरते मारते, कोमल शिशु से हो सब निश्चल, मन मेरे तू वहां चल। गगन पर विचरने को भीड़, सबसे धनवान बनने को दौड़, विश्व विजेता बनने को होड़, बड़ी मछली मुंह फैलाए, किसी को भी हड़प जाए, वो भाव पूर्ण तन मन कोमल, मन मेरे तू वहां चल। माया मोह के बहते सैलाब, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, उलझते भिड़ते मची हाहाकार, परेशानियों का विशाल भंडार, सब समस्याओं का हो हल, मन मेरे तू वहां चल। यहाँ नहीं किसी की निगाह, पड़ी निर्जन सुनसान डगर, सच्ची राह से सब गए भटक, यहाँ की मंजिल शांति सुकून, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, विराट रूप परमेश्वर के दर्शन, शेष यहाँ सब है ओझल, मन मेरे तू यहाँ चल, मन मेरे तू यहाँ चल। आशा है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आप में भी है लिखने की कला तो उसे छुपाइए मत, बनाइए अपना वीडियो और भेजिए हमें। चयनित होने पर आपकी रचना को पहले हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर दर्शाया जाएगा, उस नंबर पर आप अपनी वीडियोस हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। यूं ही हमारे कार्यक्रम को अपना प्यार देते रहिए। आपसे अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है, इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।